हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का मेरा टॉपिक है नाइन्थ क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। आज का हमारा लेक्चर रहेगा एनसीईआरटी फिजिक्स पर जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं यहाँ पे नाइन्थ क्लास के, और चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, आइए वन बाई वन अपन उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरे बोर्ड पर डिस्प्ले होगा, आप क्वेश्चन बोर्ड से भी रीड कर सकते हैं या अपने बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन के नीचे मैं आपको उसको सॉल्व करते जाऊंगा। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। देखिए, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप ग्रेविटेशन के चैप्टर में जितने फार्मूले हैं वो रिवाइज कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके लिए हमारा आप ग्रेविटेशन का फाउंडेशन क्लास का जो वीडियो है वो आप कंसल्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का स्टेटमेंट आप बोर्ड में रीड करिए। व्हाट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट। देखिए, ग्रेविटेशन फोर्स क्या क्या दिया है हमको, मास, मतलब एक मास दिया हुआ है कितना 1 kg, और एक है मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कैपिटल m इज मास ऑफ द अर्थ, विच इज गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 × 10⁴ kg। क्लियर, बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट एंड इट्स सरफेस, मास ऑफ द अर्थ दिस एंड रेडियस, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन 6.4 × 10⁶ meter। अब यहाँ पर आप देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन के चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फार्मूला पर पुट अप करने से आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब ओनली वो कैलकुलेशन बेस्ड है, आप सिर्फ वैल्यू पुट अप करिए और उसको कैलकुलेट करिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो सबसे पहले देखिए, हमको गिवन है ये, तो आपको पता है इनके बीच फोर्स फाइंड करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का अपने पास फार्मूला होता है, विच इज गिवन बाई न्यूटन। न्यूटन ने फार्मूला दिया F=Jgm(m)/r², वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, गिवन ऑब्जेक्ट, एंड आर इज रेडियस ऑफ द अर्थ। ये वैल्यू को अपन पुट अप कर दें, वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन है। देखिए, कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻¹⁻, इंटू कैपिटल एम इज 6 × 10⁴, एंड स्मॉल m इज 1 kg गिवन अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 × 10⁶। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है आपको। 10⁶ को पहले 24 में आप 11 को माइनस कर दिए, 11 को माइनस करने के बाद 6 ऊपर जाकर वो भी माइनस हो जाएगा, और इसमें 6.67 में आप 6.4 को डिवाइड कर देंगे। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, बाकी आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो इसमें स्क्वायर होगा ना, ये हो जाएगा 9.8 newton। दिस इज द फाइनल आंसर, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ओनली आपको न्यूमेरिक वैल्यू पुट अप करने हैं और उसको सॉल्व करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 12। मैं ओनली न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी बीच में जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आप चैप्टर से क्लियर कर लें, मेरे वीडियो देख लीजिए आप उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का स्टेटमेंट देखिए, नाउ रीड क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रांग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट। अपने पास एक 10 kg ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। अब मून और अर्थ में इसका वेट क्या होगा ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको बता दूं मैं कि मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वह अर्थ का 1/6 टाइम होता है, क्लियर, बट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है
वो हर जगह कांस्टेंट होता है, अर्थ में वही होगा, मून में ही होगा। आप मार्स, जुपिटर कहीं भी चले जाइए, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट स्मॉल जी इज वेरिएबल, ग्रेविटेशन से अलग अलग होता है। अच्छा, एक बात आप ध्यान में रखेंगे, आप कभी भी जी का जो वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल जी का वैल्यू यदि आपको क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसा पुट करेंगे, अदरवाइज हम कहीं कहीं पर इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कहीं पर हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। तो ऐसा हम यदि क्वेश्चन में गिवन है तो वही लेना है, और नहीं दिया हो तो हम गिवन डेटा के बेस पर कहीं कहीं ये लेते हैं, कहीं कहीं ये लेते हैं, उसके लिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों सही है। आप इस बेस पर भी आंसर निकाल सकते हैं और इस बेस पर भी आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर। तो अब अपन देखते हैं इसका वेट मून में। तो देखिए, वेट का फार्मूला होता है W इक्वल टू mg। सपोज हम इसको सबसे पहले अर्थ में कैलकुलेट कर रहे हैं, अर्थ के लिए तो WE लिख दिया मैंने, E फॉर अर्थ, मास कांस्टेंट है, ये हो गया। दैट इक्वल, मास अपने को गिवन है कितना, 10। अब g का वैल्यू आप चाहे यहाँ पर 9.8 रख लीजिए, चाहे 10 भी रख सकते हैं, क्लियर। यहाँ पर अपन रख लेते हैं 9.8, इसका वैल्यू रखते हैं सपोज अपन, तो ये 9.8 इक्वल टू हो जाएगा 98 केजी वेट। ये उस बॉडी का मास, सॉरी वेट हो जाएगा कहां पर, अर्थ में हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोलते हैं वो, मून में तो 1/6 होता है। नाउ एट द मून W M, M फॉर मून, M इंटू जी एम, दैट इक्वल एम तो कांस्टेंट होगा, 10 इंटू, अब यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सलरेशन आप लिखेंगे 9.8 और अर्थ का क्या है 1/6 टाइम है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ये मिलेगा 16.3 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये 9.8 केजी कहाँ पर, अर्थ में, और मून में कितना, 16.3। मतलब 10 केजी मास का जो ऑब्जेक्ट है वह अर्थ में इतना केजी शो करेगा, और उसको मून में लेके चले जाएंगे आप तो 16.3 न्यूटन शो करेगा, क्लियर। न्यूटन लिख सकते हैं, केजी वेट भी लिख सकते हैं, यूनिट मतलब वही होता है न्यूटन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप मेरे बोर्ड से स्टेटमेंट रीड करिए, मैं बुक से रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम। देखिए ये सिचुएशन को आप समझिए, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से क्या किया, एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया, इस तरह से ऊपर फेंका गया, और बोलता है विथ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 49 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इसी वेलोसिटी से उसको क्या किया अपन, अपवर्ड थ्रो किए। तो दो कैलकुलेशन इसमें, फर्स्ट द मैक्सिमम हाइट ऑफ हिज इट राइज, ये सपोज यहाँ तक पहुँचा, ये इसका मैक्सिमम हाइट है। एक बात आप ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट में जाता है तो वहाँ जाने के बाद वो रेस्ट कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट में जाकर रुकेगा फिर वो नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड पूछता है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सपोज ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल यहाँ तक पहुँचने में सपोज टी टाइम लेता है, तो कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ से अगेन ड्राप होने पर दोबारा गिरने पर भी कितना टाइम लेगा, टी टाइम, दैट मीन्स टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 2t। टी टाइम अपवर्ड जाने में, हाईएस्ट पोजीशन में जाने के बाद फिर जब वो ड्राप होगा तो फिर टी टाइम लेगा, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर गिवन के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें गिवन आप लिख लिए, फिर हम निकाल लेते हैं इसमें हाइट। पहला क्वेश्चन हमको पूछा है हाइट, ये हाइट पूछा है, और सेकंड पूछा है कितना टाइम। तो हाइट निकालने के लिए अपन निकाल इसमें यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यदि हम इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम यहां पर अप्लाई करें तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है,
49 का स्क्वायर हो जाएगा, और अपवर्ड है तो माइनस हो जाएगा 2। एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या 9.8, और इनटू ये एस क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारे क्वेश्चन में क्या है हाइट, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर, दैट इंप्लाइज इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 9.8 h इक्वल ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर। दैट इंप्लाइज आगे हम सॉल्व करें तो h इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 49 × 49/2 × 9.8। इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए तो सिंप्लीफाई करने के बाद कैलकुलेटर से करके मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ आपको, बाकी ये सब कैलकुलेशन आप अपने से कर लेंगे। (122.5 meters) आंसर नंबर फर्स्ट, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर, बहुत इजी है। तो ये होता है 122.5 meters, दैट मींस ये जो बॉल है वो मैक्सिमम कितना हाइट ट्रेवल करेगा 122.5। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज टाइम, तो टाइम फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, टाइम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक चीज आप ध्यान रखिए, जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ाई किया फर्स्ट पहले चैप्टर में, वो पूरा हर चैप्टर में काम आएगा। आपने देखा होगा वो फार्मूला आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी कभी न्यूमेरिकल में काम आया, ग्रेविटेशन में। मतलब न्यूटन ने जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए हैं वो मैकेनिकल फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, उसके बिना कभी कोई क्वेश्चन बनता नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें तो क्या है, v = u + at, दैट इम्प्लाइज फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 49, और अपवर्ड है तो माइनस जी का वैल्यू 9.8, और हमको टाइम फाइंड करना ही हो गया टी। दैट इम्प्लाइज इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 9.8 t इक्वल टू हो जाएगा 49, दैट इम्प्लाइज टी इक्वल टू 49/9.8। इसको अपन सॉल्व करें, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 2 सेकंड, ये 2 सेकंड हो जाएगा। तो 2 सेकंड क्या होगा, 2 सेकंड यहाँ से यहाँ तक जाने में हुआ 2 सेकंड, लेकिन उसको रिटर्न राउंड में भी आना है, तो टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड इज 2 + 2, दैट मीन्स 4 सेकंड। क्लियर आपको, 2 सेकंड वो मैक्सिमम हाइट में जाएगा और 2 सेकंड में क्या होगा वो रिटर्न वापस आएगा, तो कितना होएगा 4 सेकंड। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा क्या 4 सेकंड। एक मिनट, 49 में 9.8 डिवाइड करने से 2.5 आएगा, 5 आएगा, कैलकुलेटर से करके देखिए 49/9.8 ये 5 सेकंड आएगा, सॉरी है ना, ये 5 सेकंड आएगा, तो ये 5 में कैंसिल आउट होगा, ये 5 + 5 = 10 सेकंड आएगा, सॉरी इसका टोटल टाइम आएगा 10 सेकंड। 49 में 9.8 डिवाइड करेंगे तो 5 सेकंड आता है, ठीक है। तो ये हो गए 2 आंसर इसके, एक तो कितना हाइट में जाएगा, दूसरा क्या है टोटल टाइम टेकन। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 14 नंबर क्वेश्चन, आप स्टेटमेंट रीड करिए बुक से और देखिए क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। देखिए यहां पर क्या है, एक टावर है, सपोज हमने एक टावर इमेजिन कर लिया, ये एक टावर है अपने पास, और यहाँ से एक स्टोन को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, नीचे गिराया जाता है इस तरह से। आप हाइट 19.6 meters, ये 19.6 meters का इसका हाइट है टावर का, ये गिवन है। कैलकुलेट द इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जब ये नीचे गिरता है तो यहाँ पर इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है कि कितना है। अब देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0, क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं
किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो इस तरह से ड्रॉप करते हैं, मतलब इनिशियल क्या होता है वो रेस्ट कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर अपन लगा देते हैं सीधा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, वी स्क्वायर इनिशियल इज जीरो प्लस टू, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अपन ले लेंगे कितना 9.8 और इनटू हाइट दिया है कितना 19.6। दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू, इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इन दोनों के साथ में तो भी क्या हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6। दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू 19.6 का होल स्क्वायर। यदि हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वी इक्वल टू हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आप देख रहे हैं वो लगभग डायरेक्ट फार्मूला पर है। कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये तो आप सिर्फ इक्वेशन आप मोशन में पुट अप कर दिए। तो ये है जब वो ग्राउंड से टकराएगा वो बॉल तो 19.6 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 15 नंबर क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए। देखिए न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट को आप बोर्ड से पढ़िए और गिवन देखिए क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, सॉरी अभी तो 14 बताया ना मैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, टेकिंग जी को लेना है आपको 10 मीटर पर सेकंड। इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। यहाँ पर सिचुएशन वैसी है जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको। ये हमने क्या किया, अपवर्ड इसको थ्रो किया, वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, टेकिंग जी को लेना है आपको, जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, ये सपोज इसका मैक्सिमम हाइट है, ये हमको फाइंड करना है कि कितना हाइट तक वो पहुंचा। यहाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, जब भी मैक्सिमम हाइट बोले आपको फाइनल वेलोसिटी को इमीडिएट जीरो लेना है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब ये क्या हुआ, ऊपर गया और उसके बाद नीचे वापस गिरा भी, तो हमको यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो नेचुरली आपको ओरल आंसर है, कैसे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गया और यहाँ वापस आया, दैट मीन्स अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ गया, तो नेचुरली इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आप इसका आंसर तो ऐसे ही दे सकते हैं, ये आंसर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्यों, क्योंकि उसने अपने इनिशियल पोजिशन को रिपीट कर लिया, ठीक है। मैं इसको ऊपर थ्रो किया और दोबारा वो मेरे हाथ में वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे क्या इसका डिस्टेंस, दैट मीन्स कितना डिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, हाइट निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा यहाँ पर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दैट इम्प्लाइज फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल इज 40, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर और अपवर्ड है तो माइनस, अपवर्ड में माइनस होता है ना जी, तो ये हो गया 2 और जी को लेने के लिए बोला है कितना वो 10 और हमको हाइट फाइंड करना है एच। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो 20h इक्वल टू 40 स्क्वायर। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लें तो h इक्वल ये 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20, इसको अपने सॉल्व करें, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 जा तो कितना हो जाएगा 80 मीटर, मतलब 80 मीटर हाइट तक जाएगा वो। अब वो बोल रहे हैं टोटल ग्राउंड में रीच होगा तो कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्योंकि 80 तो ऊपर गया
और 80 क्या होगा, वापस आएगा, तो डिस्टेंस होगा कितना, 160 मीटर। तो इसके दो आंसर क्या होंगे, एक इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 160 मीटर। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन 15 नंबर हो गया, भी आसान क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट आप मेरे बोर्ड से या बुक से पढ़िए। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ। ये भी कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मास ऑफ द अर्थ, ये मैंने लिख दिया एम ई, ई फॉर अर्थ, मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻²⁴ kg, दिस इज द मास ऑफ अर्थ। एंड द मास ऑफ सन एम एस, एस फॉर सन, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³० kg। ये इसका वैल्यू है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू इज दिस डिस्टेंस बिटवीन, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था वैसे ही है, 1.5 × 10⁻¹১ मीटर। मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, इसके पीछे ऐसी क्वेश्चन है, कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। सीधा अपन न्यूटन का फॉर्मूला लगा देंगे, एफ इक्वल टू जी एम ई एम एस इंटू आर स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 6.67 × 10⁻¹১ इंटू मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻²⁴ इंटू मास ऑफ द सन इज 2 × 10⁻³० अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1.5 × 10⁻¹১ होल पावर होल स्क्वायर। अब इसको लेंदी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर से इसको कर लेना, मैं इसको आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 3.57 × 10⁻²⁰ न्यूटन। ऐसी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, डेटा पर बेस्ड है, आपको डेटा वैल्यू करना कुछ नहीं है। क्लियर, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो बताऊंगा आपको 17 नंबर क्वेश्चन, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, 17 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी भी आपको किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट पर बेस ज़्यादा होते हैं, वो प्योर कैलकुलेशन नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन इसलिए करना है क्योंकि उसे बेसिक फार्मूले रिवाइज होते हैं और आपको कैलकुलेशन करने का हैबिट होगा। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, रीड करिए आप क्वेश्चन बोर्ड से। क्वेश्चन नंबर 17, ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। देखिए यहाँ पर मैं फिगर से इसको समझा रहा हूँ, यहाँ पर फिगर ड्रा करना बहुत जरूरी है। ये एक 100 मीटर का हाइट है, ये है 100 मीटर। क्लियर, इसमें मैं दो फिगर ड्रा कर रहा हूँ, ये फिगर नंबर फर्स्ट, ये फिगर नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए, एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू जीरो हो गया क्योंकि हम उसको ड्रॉप किए छोड़ रहे हैं। ये सपोज u1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड है। इसी फिगर में इसको बस समझाता हूँ आपको, ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड है, ये ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड को हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। सपोज मैंने इसका इनिशियल वेलोसिटी को u2 कह दिया, तो u2 कितना बोलता है, ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल 100 मीटर टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड एट ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। इसको 25 मीटर पर सेकंड के क्या किया गया, अपवर्ड थ्रो, ये ड्रॉप किया जा रहा है, इसको थ्रो किया जा रहा है। अभी मैं समझाता हूं आपको अच्छे से। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब इसको हम अपवर्ड थ्रो करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे,
तो रास्ते में दोनों मिलेंगे, सपोज यहाँ पर दोनों मिले, ये पोजीशन है दोनों को, मीटिंग पोजीशन है ये। तो बोलता है कि कितने हाइट पर जाके मिलेंगे और कितने टाइम में मिलेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि टोटल कितना है 100 है, टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक 100, ये क्वेश्चन में गिवन है। मैंने सपोज कर लिया कि ग्राउंड से यहाँ तक पहुँचने में नीचे वाले स्टोन को x मीटर डिस्टेंस किया, तो ये कितना मीटर डिस्टेंस करके नीचे आएगा, 100 माइनस x, तभी तो दोनों मिलेंगे। अब इनका टाइम भी हमको फाइंड करना है कि कितने टाइम में मिलेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों स्टोन के लिए अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सब टाइम तो सेम होगा दोनों के लिए, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा उतने टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि तभी मिलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में जब मिलते हैं तो दोनों के टाइम टेकन तो सेम होंगे, तो इसके लिए भी टाइम। तो सबसे पहले अपन फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसका यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सही है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमको थर्ड लगा रहा था ना मैं, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, गिवन के अकॉर्डिंग लगाने से ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाया तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करके आ रहा है, वो 100 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, ये तो पूरा जीरो हो गया, प्लस वन अपॉन टू। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 100 मीटर दिया हुआ है, तो g के वैल्यू को 10 लेना बेटर है, क्योंकि 10 लेंगे तो 100 के साथ प्रॉपर सॉल्व होगा। 9.8 लेंगे, 9.8 जनरली कब लेते हैं, जब 98 मीटर देता है, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा इस चैप्टर में। तो g का वैल्यू को मैंने कितना ले लिया, ये g है तो g का वैल्यू 10 ले लिया, और टाइम तो क्या होगा टी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 100 माइनस एक्स इक्वल, इसको सॉल्व कर लें तो 5 टी स्क्वायर, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। नाउ ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए ना, क्या क्या बोल दिया मैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट, नाउ फॉर यही लिख दें सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है और सेकंड ऑब्जेक्ट को थ्रो, फिगर में देखिए, इसको मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया, इसको सेकंड लिया है, इसके लिए अपन यही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, x मीटर, तो s का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल u, तो इसका u गिवन है अपने को क्या 25, ये हो गया 25 इंटू टी, और माइनस होगा क्योंकि अपवर्ड है, तो ये हो जाएगा 1/2, g का वैल्यू 10 और टाइम तो टी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज, इसको आगे हम सॉल्व कर लें, x इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड। नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हम क्या करते हैं, t को इलिमिनेट कर देते हैं, t को इलिमिनेट करने से क्या फायदा होगा, x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो हम क्या कर दें, x का वैल्यू को अपन यहां पर पुट अप कर दें, क्लियर, या 5t स्क्वायर का वैल्यू को यहां पर पुट अप कर दें, ये 5t स्क्वायर का वैल्यू है, तो दोनों को सॉल्व करें अपन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 5t स्क्वायर का जो वैल्यू है जो कि कितना है 100 माइनस एक्स, उसको यहाँ पर मैं पुट अप कर रहा हूँ, तो हो जाएगा x इक्वल, लेकिन ऐसा करने से फ़ायदा नहीं होगा ना, क्योंकि t बच जाएगा, ऐसा मत करो, हमको किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो पहले अपन t फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि t आसानी से इलिमिनेट, x आसानी से इलिमिनेट होगा, x का वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो ज़्यादा आसान होगा, x का, क्योंकि एक वेरिएबल को अपने को बचाना है, बाकी इलिमिनेट करना है, x का वैल्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x का वैल्यू अपन पुट अप कर देते हैं, ये हो जाएगा 25t माइनस 5t स्क्वायर, एंड इट्स राइट हैंड साइड इज 5t स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज
100 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 25t प्लस 5t स्क्वायर इक्वल टू 5t स्क्वायर दैट इंप्लाइज 5t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर करें तो 25t इक्वल टू 100 दैट इंप्लाइज t इक्वल टू डिवाइड होगा तो 4। तो ये जो 4 सेकंड टाइम है वो 4 सेकंड टाइम में क्या होंगे, वो मिलेंगे, मतलब दोनों का मिलने का टाइम क्या होगा 4 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड दे विल बी मीट, क्लियर। 4 सेकंड के बाद वो मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन अब हमको निकालना है क्या x का वैल्यू कि कितने हाइट पर मिलेंगे। तो t के वैल्यू को कहीं पर भी अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो अपने लिए आसान है, क्लियर, यहीं पर पुटअप कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट में इसका वैल्यू पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल 5 इंटू 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16। इसको आगे अपन सॉल्व कर लें तो x इक्वल टू x को इधर ट्रांसफर करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 माइनस 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60 ना, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 का वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए वहाँ पर और ये सॉल्व कर लिए तो x इक्वल टू कितना आएगा 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ये ध्यान रखना फ्रॉम ग्राउंड, क्योंकि हमने x को क्या लिया फ्रॉम ग्राउंड लिया है तो ग्राउंड से वो 20 मीटर के हाइट पर मिलेगा। और यदि हमको फ्रॉम हाइट निकालना पड़ जाए, मान लो क्वेश्चन हमको बोले कि ये हाईएस्ट पॉइंट से कितना, तो फ्रॉम हाइट निकालने के लिए क्या कर देंगे 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, दोनों तरह का आंसर लिख सकते हैं अपन, फ्रॉम ग्राउंड लिखेंगे तो 20 मीटर और फ्रॉम हाइट लिखेंगे तो 80 मीटर, 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 रीडिंग करिए आप स्टेटमेंट, ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड टाइम। देखिए 6 सेकंड, ये सपोज हमने यहाँ से बॉल को थ्रो किया, ये अपवर्ड यहाँ तक ये गया और वापस वही तक आने में वो टोटल टाइम, मतलब सपोज टी टाइम वो जाने में लेता है तो टी टाइम वापस, तो टोटल टाइम क्या आएगा 2t इक्वल टू लेता है वो 6 सेकंड, ठीक है। अभी मैं आपको कई बार बताया कि टी टाइम में जाता है तो टी में ही क्या होगा, जहाँ से फेंका गया वापस आएगा, मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन है 2t इक्वल टू 6 सेकंड दैट मीन्स टी इक्वल टू 3 सेकंड, ये टाइम टेकन 3 सेकंड है। और क्वेश्चन पूछता है द वेलोसिटी विथ विच इट थ्रोन अप, 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखिए पहले आपको वेलोसिटी पूछता है इसका, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको गिवन है ए, इसमें आप लगाइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी दैट इंप्लाइज फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका। देखिए इनिशियल वेलोसिटी भी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है द वेलोसिटी विद व्हाट अपॉन, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट में जाके 0 हो जाएगा तो 0 इक्वल यू और माइनस अपवर्ड है तो माइनस, इसको हम ले लेंगे 9.8 और टाइम निकाल लिया है कितना 3 सेकंड निकाल लिया दैट इंप्लाइज u इक्वल टू 9.8 में आप 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9.8 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 29.4। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट, क्लियर कि कितने वेलोसिटी से इसको फाइंड करेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है द मैक्सिमम हाइट इट रीच्ड, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप इसमें लगा दीजिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as
final velocity is 0. Initial velocity हम निकाल चुके 29.4, ये भी जस्ट निकाले तो ये हो गया 29.4 का स्क्वायर माइनस होगा 2, ये 9.8 और हाइट दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 19.6 एच इक्वल टू 29.4 का होल स्क्वायर दैट इम्प्लाइज एच इक्वल टू 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 19.6 ये कैलकुलेटर करके आंसर हम फाइंड कर लेते हैं, आप कैलकुलेट कर लेंगे 44.1 मीटर ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया सेकंड पार्ट इसका। थर्ड नंबर के पार्ट में आपको क्या पूछा है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद पोजीशन। सब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज है इसमें, तो आप इसमें सेकंड इक्वेशन लगाइए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर दैट इम्प्लाइज डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहां से हमने निकाला है 44.1 टाइम इज 3 सेकंड, आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 सेकंड। इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकंड, देखिए उस क्वेश्चन में बोलता है इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकंड, तो यहाँ पर हम टाइम को 3 सेकंड थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर ये बाल ऊपर गया और 3 सेकंड में यहाँ पहुँचा, आफ्टर 4 मतलब कितना सेकंड तक वापस फिर आएगा, वो 1 सेकंड तक, तो 1 सेकंड में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहाँ से वो अगेन अपना मोशन स्टार्ट करेगा कहाँ से, 0 से, मतलब अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी हो 0 हो जाएगा और टाइम टेकन कितना हो जाएगा 1 सेकंड। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ध्यान देना क्या बोला है, आफ्टर 4 सेकंड तो 3 सेकंड तक अपवर्ड गया और अपवर्ड जाने के बाद फिर यहाँ से क्या होगा, फिर नीचे आएगा, तो 4 सेकंड मतलब कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1 सेकंड, तो एस इक्वल टू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एस इक्वल टू 0 प्लस 1/2 और जी का वैल्यू है 9.8 और टाइम कितना होगा 1 सेकंड दैट इम्प्लाइज एस इक्वल टू हो जाएगा ये 4.9 मीटर दैट मीन्स आफ्टर 4 सेकंड इट्स पोजिशन इज 4.9 फ्रॉम हाइएस्ट पॉइंट, और यदि हम उसको फ्रॉम ग्राउंड कह दें, यदि आपको उसको फ्रॉम ग्राउंड निकालने बोल दे क्वेश्चन में, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना निकाला ये, मतलब 44.1 माइनस 4.9, तो 44.1 में 4.9 माइनस करिए ये हो जाएगा 39.2 मीटर, क्लियर। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए ये यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गया। आप इसके न्यूमेरिकल्स करने से पहले मेरा आपको सजेशन है कि चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, फार्मूला लर्न करिए और उसके बाद फिर आप न्यूमेरिकल्स को बनाइए। ओके, थैंक यू।